भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। आप कुछ भी करें वो भक्ति नहीं हो सकती, इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। आप कुछ भी करें, बोले महाराज हमारी ये श्रद्धा है, बोले शास्त्र के सीमा से बाहर जाकर के होने वाली श्रद्धा भी उत्पात का कारण बनती है। श्रद्धा को भी शास्त्र की सीमा में ही रहना चाहिए। शास्त्र की सीमा से बाहर होने वाली श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होती है, जिसको आज अंधश्रद्धा कहते हैं। अंधश्रद्धा की परिभाषा क्या है? बोले अंधश्रद्धा की परिभाषा यही है कि जो शास्त्र की सीमा से बाहर मनमुखी और भक्ति का ही पर्याय, पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो श्रद्धा है। श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। वो भी कैसी श्रद्धा, कैसा प्रेम? तो कहते हैं कि महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय जनों के प्रति जो प्रीति हो उसका नाम भक्ति। सभी प्रीति को भक्ति नहीं कहते। बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, लेकिन बाप के द्वारा बेटे के प्रति किया गया जो प्रेम है उस प्रेम को हम भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो महनीय के विषय में नहीं। पिता के लिए बेटा महनीय नहीं होता, बात्सल्य का पात्र हो सकता है, दुलार का पात्र हो सकता है, वो महनीय नहीं होता। इसलिए बाप के द्वारा बेटे के प्रति की गई जो किया गया जो प्रेम है वो प्रेम भक्ति नहीं है, वो प्रेम है। लेकिन बेटा बाप से प्रेम करे, बाप की सेवा करे, बाप की आज्ञा का पालन करे, तो उसको कहते हैं पितृ भक्ति। क्यों? बोले वो महनीय के प्रति, पुत्र के प्रति पिता महान। उसी प्रकार मां पुत्र से प्रेम करती है तो उसको वात्सल्य कहते हैं, लेकिन वही पुत्र अपने मां के प्रति समर्पित होकर प्रेम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसको मातृभक्ति कहते हैं। तो महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही। महनीय जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसे भक्ति कहते हैं। अब भगवान के संदर्भ में वो भक्ति कैसे है? तो कहते हैं भगवान सबसे महनीय है, महानतम है। वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, भगवान महतो महीयान है, महान से भी महान है। और ऐसे महान परमात्मा के प्रति हमारी जो प्रीति है, जो श्रद्धा है, उसका नाम भक्ति। अब वो भक्ति किस प्रकार से हो, जैसे हमको समझ में आवे वैसे कर लें? कहते नहीं, शास्त्र के सीमा में रहकर, इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना। आचार्य कहते हैं कि इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि को छोड़कर केवला है तुकी भक्ति ही उत्पाताय कल्पित। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल आहेतु की भक्ति ही उत्पाताय कल्पते। शास्त्रकार कहते हैं कि इतिहास पुराण को छोड़कर, वेद की विधि को, शास्त्र की विधि को छोड़कर केवल अपने मनमाने ढंग से हम भक्ति करें तो वो भक्ति क्या है? बोले उत्पाताय कल्पते, वो भक्ति उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से उत्पात हो, वो उत्पात क्या होगा? बोले वेद के सिद्धांत का नाश होगा, करने वाले का नाश होगा, भ्रम पैदा होगा, अज्ञान की एक श्रृंखला चल पड़ेगी और उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसीलिए शास्त्र सम्मत भक्ति का ही महत्व आचार्यों ने कहा है। इसीलिए शास्त्र की विधि से हम भगवान की भक्ति करें और शास्त्र की विधि को जानने के लिए शास्त्र को श्रवण करना पड़ेगा। श्रोतव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्य। शास्त्र की विधि का न ज्ञान होने के कारण कोई भी अज्ञानी व्यक्ति अपने विचार से किसी भी व्यक्ति को भगवान बना देता है। कितने नकली भगवान इस दुनिया में पूजित हो रहे हैं और बाद में उन भगवानों की स्थिति क्या होती है, बोले जिंदा रहे तो जेल जाते हैं और मरने के बाद गाली सुनते। कितने मरेच्छों को भगवान बना करके गली गली उनके मंदिर बन गए। साई जैसे व्यक्ति को भगवान बना दिया, क्यों? साई को भगवान बनाने वाले कौन है? बोले विद्वान नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, वे अल्पज्ञ मनमुखी भक्ति करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने शास्त्र की विधि को न समझकर अपनी अंध श्रद्धा के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को भगवान घोषित किया। कहने का तात्पर्य कि जब तक शास्त्र को हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक सनातन वैदिक सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र के गंभीर रहस्य को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा कोई मनोरंजन नहीं, भगवान की कथा कोई कॉमेडी नहीं है कि आप यहां मनोरंजन करने आवे और थोड़ा देर आपके अनुकूल बातें सुनाई जाएं तो आपका समय पास हो। कथा तो जीवन का सार है। महाराज, भगवान की कथा भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में और भगवान श्री कृष्ण चंद्र में रंच मात्र भी अंतर नहीं। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति। श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब भगवान निज धाम गमन करने लगे अपनी लीला का संवरण करके, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप निज धाम चले जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण कर पाएंगे? तो भगवान श्री हरि ने कहा, उद्धव, अन्य अवतारों में अपनी लीला का संवरण करके मैं क्षीर सागर चला जाता हूं, क्षीरारणों में मेरा प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार कृष्णावतार में लीला का संवरण करके मैं क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, आप कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाए। और इतना कहते हुए भगवान गोविंद श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम्। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। तेने अम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे हे। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। भगवान स्वयं इस ग्रंथ में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है। इस ग्रंथ के हर अध्याय के अंत में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसको आत्मसात किया, वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, लेकिन इसका रस श्री सुखदेव ने अनुभव किया और समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। वेद व्यास जी कहते हैं, इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसम, इस रस को पियो। कब तक पियो? बोले आलयम। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम का मतलब मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस कथा को पियो। अर्थात ये जीवन जब तक है तब तक बार बार इस कथा को
पीते रहो, पीते। पिबत भागवतम रसमालयम, मुह रहो बार बार पियो। कैसे पियो? बोले रसिकाहा, रसिक होकर के। भूवि भावुकाहा, हे पृथ्वी के भावुक प्राणियों, भावना से युक्त होकर के इस रस को पियो। ऐसा वेद व्यास जी महाराज आदेश करते। और जो इस रस को पीता है, जो इसे पिलाता है, जो इसका अनुमोदन करता है, जो इसका समर्थन करता है, वो भगवान गोविंद को प्रिय हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो इस कथा को सुनने में रत रहता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रीति करता है। नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, ऐसे पुरुष को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, मैं सदा उसे अपना मानता हूं। ये भगवान का उद्घोष है। ऐसी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो वेदों का सार है, उपनिषद का सार है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। अर्थोयम् ब्रह्म सूत्राणाम् सर्वोपनिषदामपि गायत्री भाष्य भूतोऽसौ। श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। आप कहोगे गायत्री मंत्र तो छोटा सा, गली गली लोग पढ़ते हैं। आजकल तो गायत्री मंत्र माइक में लोग बजाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के विषय में जो वर्णन है, गायत्री मंत्र का कभी जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र को उपांशु कहना चाहिए। उपांशु का मतलब कि ओंठ हिले लेकिन शब्द अपने कान को भी न सुनाई पड़े। और आज गायत्री मंत्र कैसेट में बजाया जाता है। कारण कि शास्त्र के सिद्धांत को न जानने के कारण हमारी अंधी श्रद्धा हमें धर्म से विपरीत दिशा में ले जाती है और हमारा धर्म विकृत होता है। जहां पर गायत्री मंत्र की महिमा है, वहीं पर यह भी लिखा है कि गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। और विशेषकर गायत्री मंत्र, स्त्री को गायत्री मंत्र का कभी जप नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं, गायत्री मंत्र का जप स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। कारण कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने के लिए विधान नहीं। क्योंकि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, और यज्ञोपवीत केवल पुरुषों का होता है। इस कारण से स्त्री के लिए भी गायत्री मंत्र का निषेध है। इन सारे विधि निषेधों को मानते हुए जब हम शास्त्र की मर्यादा में रहकर शास्त्र के वचन का अनुपालन करते हैं, तभी शास्त्र के बताए गए फल हमें प्राप्त होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज ने जब वशिष्ठ जी से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है हम कराएंगे। तो दशरथ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। श्री दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, कहीं किसी प्रकार की यज्ञ में कोई कमी न हो और विधि का नाश न हो, शास्त्र की जो विधि है उसी विधि से यज्ञ हो। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं
ये राक्षस बड़े विद्वान होते, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, तो ये करते क्या है? बोले आप यज्ञ करने चलो, अनुष्ठान करने चलो, कोई जप करने चलो, तो आपके किसी भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने के पहले देवता तो बाद में आएंगे, पहले कौन आता है? बोले राक्षस आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते महाराज। जैसे आपके यहां भंडारा हो तो जिसको आपने निमंत्रण दिया है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन भगोना कड़ाहा चूल्हे पे चढ़ जाए और छनने लग जाए, महक लग जाए, तो जितने कुत्ते हैं गांव के सब पहले ही आ जाते हैं, पूंछ हिलाते हैं कि कुछ मिलेगा। खाने वाले बाद में आते हैं, कुत्ते पहले वहां मटराने लगते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति धार्मिक कर्मानुष्ठान करने चले तो राक्षस, असुर, पिशाच ये पहले आ जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का वचन मैं कह रहा हूं, और वाल्मीकि रामायण कितना प्रामाणिक ग्रंथ है, वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, तो चारों वेदों ने ही परमात्मा के गुण का गान करने के लिए रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, वो रामायण वाल्मीकि रामायण जो कि 18 पुराण और महाभारत से भी ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है वाल्मीकि। और वहां रामायण में कहते हैं कि महाराज यज्ञ यागादि कर्म करने चलो तो राक्षस पहले आते हैं, असुर पहले आ जाते हैं, और आकर के करते क्या है? बोले ये तुम्हारी कमी ढूंढते, छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, तुम्हारे कर्म के छिद्र को ढूंढते, कहां कमी? ये छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं। लोग कहते हैं बड़े छिद्रान्वेषी हैं, बोले छिद्रान्वेषण करना किसी की कमी कौन बता सकता है? वही बता सकता है जो उस विषय का मर्मज्ञ होगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ये विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विद्वान को दोषज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोष जान लेता है, वो पकड़ लेता है गलती कहां हो रही, इसलिए विद्वान को दोषज्ञ कहा जाता है। तो ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं महाराज, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः दशरथ जी कह रहे हैं। और वो करते क्या है? बोले वो तुम्हारे कर्म को सावधानी से देखते हैं, कहां इससे गलती हो रही, कहां इससे शास्त्र की विधि का उल्लंघन किया, और क्योंकि शास्त्र की विधि का उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ा, इस कर्म के फल का वो नाश कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। और फिर विधि से हीन कर्म होने पर उस कर्म के करने वाले कर्ता का, कर्ता के द्वारा मनोवांछित जो फल है उस फल का विनाश हो। कितनी गंभीर बात है, इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कितने प्रमाण हैं कि थोड़ी सी विधि बिगड़ जाए तो उल्टा ही फल होता है। रघुवंश के एक राजा थे, उनका नाम था महाराज युवनाश्व। पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ मंडप में रात्रि में शयन करना था, विधि थी। रात्रि में जजमान को प्यास लगे तो कौन सा पानी पीना है यह भी निर्धारित था कि अमुक कलश के जल को ही पीना है। और रात्रि में यज्ञ मंडप में अनेक कलश रखे हुए थे। वस्ती बरी नाम का एक कलश था, वो देवताओं के लिए रखा था, और धोखे से उस वस्ती बरी कलश के जल को उठा करके महाराज युवनाश्व ने पी लिया रात्रि में। परिणाम क्या हुआ? बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, पुत्र तो आया लेकिन कहां आया? पत्नी के गर्भ में नहीं, महाराज युवनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। बस्ती वरी के कलश के जल को पीने का परिणाम कि महाराज युवनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। प्रातः काल ऋतुजों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज कहीं विधि का लोप हुआ। निरीक्षण परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वस्ती बरी कलश के जल को इन्होंने धोखे से पी लिया, तो गर्भ तो अब इनके
पेट में आ गया। ऋषियों ने कहा बड़ी समस्या, अब इस बालक को पैदा कैसे किया जाए। तो ऋषियों ने महाराज योनास के पेट को चीर कर उस बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो गया, योनास महाराज भी बच गए, लेकिन उस बच्चे को दूध कौन पिलावे। मां जन्म देती तो मां के पयोधर में दुग्ध होते, उसका पालन कौन करे। तो देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा कि मेरी तर्जनी उंगली में अमृत है, मेरी उंगली को ये चाट करके स्वस्थ हो जाएगा, जवान हो जाएगा। और महाराज देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक को चटाई और कहा कि माम धास्यति, माम माने मुझको, धास्यति माने मेरी उंगली को ये पिएगा, धाय माने जो दूध पिलाती है उस मां को धाय कहते हैं, भेंट पाने धातु है व्याकरण में पीने के अर्थ में, तो शब्द की निष्पत्ति होती है कि मानधाता के ओ योनासु के पुत्र को इंद्र ने अपनी उंगली पिलाई और कहा माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पिएगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। रघुवंश के राजा महाराज मानधाता जो हुए वो अपने बाप के पेट से पैदा हुए, केवल यज्ञ की एक विधि में कमी हो जाने के कारण। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथा है कि विधि का लोप होने का परिणाम क्या हुआ। बोले तुष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र को जीत ले, ऐसा पुत्र पैदा हो, और संकल्प किया और संकल्प करके आहुति दी। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का विवर्धन हो, इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मार दे, क्योंकि तुष्टा महर्षि के पुत्र को इंद्र ने मार दिया था। तो इंद्र से बदला लेने के लिए तुष्टा महर्षि ने यज्ञ में यह संकल्प किया कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र शत्रु पैदा हो। मंत्र पूरा वही था, सब विधि वही थी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई और फल उल्टा हो गया। बालक तो पैदा हुआ, बड़ा पराक्रमी था, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार सका, इंद्र ने ही उस बालक को मार दिया। और गड़बड़ी क्या हुई, बोले सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि जिस मंत्र का उच्चारण किया त्वष्ट्रा महर्षि ने, उस मंत्र के उच्चारण में एक स्वर का केवल अंतर हो गया, बस। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। स्वर के एक अपराध के कारण त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र को इंद्र ने मार दिया, और शब्द था इंद्र शत्रु, यही शब्द था। इंद्र शब्द शत्रु शब्द के दो अर्थ होते हैं, दो प्रकार के समास होते हैं, इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु षष्ठी तत्पुरुष समास, और इंद्र शत्रु जस्य बहुव्रीह समास। अब दोनों में अंतर क्या होगा, बनने के बाद शब्द वही बनेगा इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु, लेकिन कहां पर बहुव्रीह होगा, कहां पर तत्पुरुष होगा, वो एक स्वर के उच्चारण से भेद समझ में आएगा। और उस एक स्वर का उच्चारण बिगड़ गया और उसका परिणाम उल्टा हुआ और वो बालक मारा गया। इसीलिए वैदिक मंत्र कर्मानुष्ठान शास्त्र के मर्यादा से ही करना चाहिए। आज लोग कहते हैं हम क्यों नहीं मंत्र पढ़ सकते, बोले मंत्र पढ़ने के लिए 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहकर एक एक स्वर के उच्चारण को सीखना पड़ता, और तब सीखने के बाद जब योग्यता प्राप्त हो तब उस मंत्र के द्वारा सारी क्रियाएं की जाती हैं। एक स्वर गड़बड़ हो जाए तो उल्टा अर्थ हो जाता। महर्षि पतंजलि जो योग शास्त्र के विद्वान हैं, महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में यह श्लोक कहा है कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वह मंत्र ही वाणी का वज्र बन करके जजमान का नाश कर देता। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे स्वर के अपराध के कारण इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इन सब बातों को न समझने वाले लोग धर्म को धर्मशाला समझ बैठे कि धर्म धर्मशाला है, जो आओ वही ठहरो, जैसा चाहो तैसा करो, ऐसा नहीं। इसकी भी एक सीमा है, एक नियम है, एक सिद्धांत है।
धर्म में लोकतंत्र नहीं चलता है, यहां बहुमत का सिद्धांत नहीं चलता है, यहां लौकिक संविधान लागू नहीं होते, धर्म के सिद्धांत में धर्मशास्त्र का सिद्धांत ही लागू होता, धर्म के नियम ही लागू होते। वहां आप ये नहीं कह सकते कि सबके लिए समान अधिकार है तो